बाबा जो है यहाँ का हवन कर रहे ना, हवन कर रहे ना। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हर हर महादेव। और दोस्तों, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा भंडारा का काम ख़त्म हुआ, वैसे ही सबका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मेरा तो पूरा कंडीशन ही ख़राब है। मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा दिखाने। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इतना भीड़ हुआ शिवरात्रि को, 3 बजे रात से ही भीड़ होना चालू हो गया और 9-10 बजे तक जल देना मतलब बंद ही नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, पापा ने कितना बड़ा काम किया। 1 लोग मंदिर बनवाते हैं और 100 लोग जल चढ़ाते हैं। यानी धर्म से धर्म होता है, कर्म से कर्म होता है, भक्ति से और भी भक्ति बढ़ती है। ये सब मैंने पापा से सीखा है और पापा ने भी नहा धो के जल देना शुरू कर दिया। जोन पैसा चढ़त तो हजार के भल बहनी पढ़िया नला भल मंदिर ये पर के जा खटा जे प्रणाम बाबा जी। वो मंदिर चल जाए जी बाबा जी, जान जी हूं ले रही है जी। कहीं दुकान के से तो खाई ये को लाइक मत खाने को बात मेरा बहुत सब कर दी खा रही हो सुधी दीदी बहुत बना मैं को लाइक मत करना दीदी बहुत बना लाइक मत करना दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मतलब 11 बजने वाले हैं। अभी भी लोग जल चढ़ा रहे हैं और ये सारी मतलब ये गोसाई जी हैं जो कि मंदिर की देखभाल के लिए पापा ने इनको रखा है। और बहुत बड़े बड़े लोग जो कि नौगढ़ के ज्वेलर हैं, श्रीचंद ज्वेलर, उनकी वाइफ है और उनकी बहू है, सब लोग आ रहे हैं दूर दूर से दर्शन करने, मतलब प्राण प्रतिष्ठा। देखिए शिवरात्रि पर जीजा सो रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे जीजा जी हैं जो कि शिवरात्रि है आज और सुबह से लेके अब तक सोई है, इतना नींद आ रहा है इनको। ये सुबी दीदी है। Thank you.
तो दोस्तों भजन कीर्तन होने के बाद अब हुई आरती, तो मेरा गला एकदम बैठा हुआ है, मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए ब्लॉग लेट आएगा। और मैंने की आरती, फिर यहाँ जो गोसाई जी को पापा ने रखा है उन्होंने की आरती, भैया ने की, सब लोग ने बारी बारी से आरती की, पूजन हुआ, उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। तो आप सबको महादेव सुखी रखे, संपन्न रखे। आज का ब्लॉग